नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। लोकसभा चुनाव में इस बार महिला वोटर्स पर खास नजर है, क्योंकि महिला वोटर्स इस बार निर्णायक भूमिका में है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो महिला वोटर्स को अपनी तरफ कर पाएगा उसकी जीत निश्चित है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का गढ़ माने जाने वाले नागौर में भी इस बार महिला वोटर्स हार जीत का फैसला करेंगी, यानी कि भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी को महिलाओं को मनाने की मशक्कत करनी पड़ेगी। भाजपा ने पहले ही इस सीट से ज्योति मिर्धा को टिकट देकर अपना पक्ष मजबूत कर लिया है। अब नजर कांग्रेस और आरएलपी पर है। आपको बता दें कि नागौर जिले में बढ़ रही साक्षरता दर और निर्वाचन विभाग की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का परिणाम है कि जिले में मतदाता लिंगानुपात लगातार बढ़ा है। जिले में 10 साल पहले यानी कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में मतदाता लिंगानुपात जहां मात्र 889 था, वहां वर्ष 2019 के चुनाव में बढ़कर 922 हो गया था और पिछले 5 साल में इसमें और अधिक बढ़ोतरी हुई। इस बार जिला निर्वाचन विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके अनुसार जिले में मतदाता लिंगानुपात 936 हो चुका है। हालांकि साल 2011 के बाद केंद्र सरकार जनगणना नहीं करवा पाई है, लेकिन निर्वाचन विभाग की ओर से विधानसभा चुनाव 2023 में जारी किए गए अनुमानित आंकड़ों के अनुसार जिले डीडवाना, कुचामन सहित की जनसंख्या 39.38 लाख हो चुकी है, जिनमें पुरुष 20,19,520 हैं और महिलाएं 19,18,573 हैं। नागौर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इस बार क्षेत्र की 8 विधानसभा में कुल मतदाता 21,42,941, इनमें से पुरुष मतदाता 11,07,801 और महिला मतदाता 10,35,128 और इसके साथ ही थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या 12 है। इसी प्रकार राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में आने वाली मेड़ता और डेगाना विधानसभा क्षेत्र में कुल 5,53,033 हैं, जिनमें से पुरुष मतदाता 2,85,000 हैं और महिला मतदाता 2,67,946 और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 2 है। इसके साथ ही आपको कुछ और भी आंकड़े बता दें। आपको बता दें कि 936 जिले में मतदाता का लिंगानुपात है, 0.82% मतदाता हैं 85 वर्ष के और इससे अधिक आयु वाले हैं 3.44%, 18-19 आयु वर्ग के 1.07% हैं। जिले में पिछले 5 साल में कुल 2,86,737 मतदाता बढ़े हैं। साल 2019 के लोकसभा के चुनाव की बात करें तो नागौर जिले में कुल मतदाता 24,09,237 थे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 12,53,072 और महिला मतदाता 11,56,162 थे। 20 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक जिले में, 20 से 29 आयु के मतदाता हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जिले में 18-19 आयु वर्ग के 3.44%, 20 से 29 आयु वर्ग के 25.51% और 40 से 49 आयु वर्ग के 19.08% मतदाता हैं। इसके साथ ही 50 से 59 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 14.65% है और 60 से 69 आयु वर्ग के 9.35% मतदाता हैं। 70 से 89 आयु वर्ग के मतदाता हैं उनकी संख्या का प्रतिशत है 4.53% और 80 से 89 आयु वर्ग के मतदाता हैं उनकी जो प्रतिशत है वो है 1.55% और 90 से 99 आयु वर्ग के मतदाताओं की प्रतिशत की बात करें तो वो है 0.27%। 100 से 109 आयु वर्ग के मतदाताओं का प्रतिशत है 0.02%। अब बात पाली की कर लेते हैं। पाली लोकसभा क्षेत्र में भी महिला मतदाताओं की भूमिका काफी निर्णायक रहने वाली है। यहाँ प्रदेश में सबसे अधिक महिला मतदाता हैं। पाली में 48% से अधिक मतदाता महिलाएं हैं। महिला मतदाताओं के मामले में उदयपुर लोकसभा क्षेत्र प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। इसके विपरीत सबसे कम महिला मतदाता दौसा लोकसभा क्षेत्र में है। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 5.33 करोड़ है, जो पिछले लोकसभा के चुनाव के मुकाबले करीब 43 लाख अधिक है। मौजूदा मतदाताओं में महिलाओं की जो संख्या है वो है 2.55 करोड़, जो पिछले लोकसभा चुनाव से 21 लाख ज़्यादा है। निर्वाचन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में पाली लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 23.30 लाख मतदाता हैं। यहाँ महिलाओं की संख्या, जिनमें 11.19 लाख से अधिक महिलाएं हैं,
टॉप 5 मतदाताओं वाले लोकसभा क्षेत्र की आपको बात बता देते हैं। इन लोकसभा क्षेत्रों में 1.13 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। लोकसभा क्षेत्र और मतदाताओं की हम बात कर लेते हैं। पाली की बात करें तो यहाँ पर 23,30,705 मतदाता हैं। जालौर की बात करें तो यहाँ पर 22,81,964 मतदाता हैं। जयपुर की बात करें तो यहाँ पर 22,65,290 मतदाता हैं। उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर 22,18,615 और सीकर में 22,08,512 सबसे कम मतदाता वाले लोकसभा क्षेत्रों की भी आपको बात बता देते हैं। बात करें दौसा की तो दौसा में 18,95,896 हैं। अजमेर में 19,84,350 हैं। करौली धौलपुर में 19,72,029 मतदाता हैं। कोटा में 20,22,569 मतदाता हैं। बीकानेर में 20,40,878 हैं। और पाली में मतदाताओं की बात करें तो यहां पर महिला मतदाताओं की संख्या है 11,19,324 और पुरुष मतदाताओं की संख्या है 12,11,344। दौसा में मतदाताओं की बात करें तो यहां पर महिला मतदाताओं की संख्या 8,94,375 है और पुरुषों की संख्या है 10,01,517। पहले चरण के 12 लोकसभा क्षेत्रों में 96 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें 2,52,58,415 मतदाता हैं, तो वहीं दूसरे चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों में 104 विधानसभा हैं। 104 विधानसभा क्षेत्रों के जो मतदाता हैं उनकी संख्या है 2,79,25,165 है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और राजस्थान में इस बार के लोकसभा चुनाव में महिला मतदाता अपनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।